मेघालय के भाजपा नेता सनबोर शुलाई द्वारा गौमांस सेवन को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद अब राष्ट्रीय भाजपा ने इस बयान से दूरी बनाते हुए इसे शुलाई का व्यक्तिगत बयान बताया है। शिलांग में आज एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि सनबोर शुलाई ने जो बयान दिया है वह सही नहीं है और पार्टी इसका समर्थन नहीं करती। हालांकि उन्होंने मामले पर विस्तार से बात करने से इनकार करते हुए कहा कि मामले पर उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है। For what? No, definitely we are not in favor. Our president and Hague sahab is there. They will reply. They state, you know, our team will reply because I am not. I have not seen my dear friend. Once I see, I can't reply on the hypothetical question and the things which I have not seen at all. If I have seen, then I would definitely. Neither nobody came straight from. I am here. Hundreds of people have met me. They have not told me. I participated in many meetings, in mandal meeting, block meeting, district meeting. Nobody told me. This is the new thing that you are telling me. और इधर विकास के मुद्दे पर बात करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से ही 8 पूर्वोत्तर राज्यों में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि 60 साल से अधिक समय से पिछली सरकारों ने पूर्वोत्तर को वंचित कर रखा था। मैं इतना कहूंगा कि जो सेवन सिस्टर्स और असम, यह सब एक साथ मोदी जी के जब से सरकार आई एक साथ काम कर रहे हैं। 70 साल में जितना नहीं काम हुआ उतना 7 सालों में काम हुआ। 6 दशक तो कांग्रेस ने शासन किया था, फिर भी कुछ विकास नहीं हुआ। ये जो अष्टलक्ष्मी जिसको प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, बहुत विकास हो रहा है। रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, एवरी कनेक्टिविटी जो उसका स्ट्रांग हो रहा है, चारों ओर विकास के काम हो रहे हैं। डोनर मिनिस्ट्री बनाई गई है और सभी भाईचारा हैं, एक दूसरे के भाईचारा के माध्यम से चीजों को सुलझा लिया जाएगा।